देखो, जिसको खाना खाना है खा लो, मैं चोर को पुलिस के पास लेके जाता हूँ, खाना खा लो। आप चल के जेल अरे वाह वाह, क्या राम सीता की जोड़ी है, लगता नई नई शादी हुई है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, जाइए फैमिली रूम में बैठिए। ठीक है ठीक है, दो चाय भेज दीजिए। श्री कृष्ण मलाई बर्फी करके रखा है, कोई मन्नत उन्नत है क्या? मन्नत की मन्नत नहीं जी, तुमको खोल के देखने का है तो देखो। नहीं नहीं, नहीं मेरा मतलब ये है कि होटल में अगर किसी का मुंह बधा रहे तो होटल के बारे में लोग क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे जी, इतना सोचेंगे कि होटल में मक्की मौत है। स्वामी तो मजाक करता है। मजाक नहीं जी, तुमको मजा देखने का है तो हम खोलता है, तुम देखो क्या मजा। अरे मुंह क्या, इसकी तो आंखें हाथ पांव सब पास के रखना चाहिए, लगता है बहुत लाड़ प्यार का बिगड़ा हुआ है। क्या करे जी, हमारा एक ही बच्चा है। अरे ऐसा तो एक ही बात है, बाप रे बाप। लगता है सबके सब कैंटीन में गए। अच्छा चलो आगे चलकर इंतजार करते हैं। और जब खड़ा होता हूँ तो बैठा देती हूँ।
ए कंडक्टर इधर आओ। कंडक्टर है यार, जरा इज्जत से बात करो। क्या है? मेरा टिकट बेलगांव का है, अब उसे गोवा का कर दो। क्या बात है बिली भूषण, एकाएक इरादा कैसे बदल दिया तुमने? क्या सफर दिलचस्प होता जा रहा है? तुम अपने किराए से मतलब रखो और गोवा का टिकट काटो। अरे हाँ यार, टिकट ही काटूंगा, किसी की जेब थोड़ी काटूंगा। निकाल 12 रुपए। मिलिट्री के आदमी? अरे ओ पुराने चावल यार, बड़े कमाल का सवाल किया तुमने। ये वर्दी के अंदर ये मिलिट्री के नहीं तो क्या लॉन्ड्री के आदमी लगते हैं। तो मेंढक तर्राना बंद करो, अपना काम कर। अरे तू मुंह बंद कर, बात आती है मुंह से। क्यों सर, आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? पठानकोट। पठानकोट, वो जो कश्मीर के आसपास है वो? जी। अरे साहब सुना, वहां तो बड़ी बर्फ पड़ती है, बहुत सर्दी लगती है। साहब तो क्या पहले कश्मीर रह चुके? अरे मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, लेकिन बचपन में किताब में ऐसे ही पढ़ा है। बचपन में पढ़ा और बुढ़ापन में तुम्हें पता नहीं लगेगा। क्यों साहब, ऐसा कोई उपाय नहीं कि दुनिया में लड़ाई ही ना हो? क्या बात करते हैं जी, ये लड़ाई नहीं तो फिर ये बंदूक टाइप हो, ये बंदूक नहीं तो फिर ये गोली टाइप हो, और फिर ये गोली नहीं तो ये आदमी ये जनता कम कैसे होगा, कैसे कम होगा? अरे पंडित जी, तुम भी पंडित हो और मैं भी पंडित हूँ, लेकिन हम दोनों की बुद्धि में थोड़ा अंतर है। मैं तो इनसे पूछ रहा था कि लड़ाई रोकने का कोई उपाय है, लेकिन आप तो गधे की तरह गला फाड़ के चिढ़ाने लगे। पंडित जी क्या जी, तुम क्या बोला, हम तो गधा बोला? तुम ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का अपमान किया, अरे तुम हमारा नहीं सारे धर्म का अपमान किया, हम तुमको छोड़ेगा नहीं। अरे भाई इसने क्या बुरा कहा, ये तो बेचारा लड़ाई रोकने की तरकीब पूछ रहा था और तुम खाली खाली भड़क गए। अरे पंडित होकर मूर्खों जैसी बातें करते हो। तुम हम तो मूर्ख बोला, तुम मूर्ख जी, तुम महा 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 मूर्ख। क्या कहा? तुम ऑल इंडिया अखंड मूर्ख सम्मेलन का सभापति जी, तुम्हारा बाप मुड़े, तुम्हारा दादा मुड़े, तुम्हारा बड़ी दादा खानदान सब सब दुनिया का तू क्या मोड़े?
बाके। सीधी बात है मालिक, आपने टिकट के दाम बढ़ाए हैं, हमारी तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ेगी। अरे कबूतर, मैंने तुझे बकवास से बांकेलाल अदाकार बनाया और तू आज मुझे ताव दिखा रहा है। मैं क्या करूं मालिक, गांव से माँ की चिट्ठी आई है, वहाँ रुपए के 10 सेर गेहूँ का 8 सेर रह गया है और घी रुपए का पाव भर, शक्कर 8 आना सेर। ये महंगाई है या मुसीबत, तुम ही बताओ सेठ जी। 10 रुपए महीने में वहाँ माँ क्या खाए पहने और यहाँ मेरा गुजारा कैसे हो। महंगाई क्या मैंने बढ़ाई है, अरे लड़ाई चल रही है, लड़ाई महंगाई बढ़ेगी, उनसे जाके पूछ। मैं क्यों पूछूं, तुम जाके पूछो, मेरे 5 रुपए बढ़ने ही चाहिए, बस खत्म बात। अरे बाकी छेला, तुझे महंगाई और माँ के ख्याल ने इसी दम ठसक दिखाने को कहा है। अरे मेरी जान, तुम भी अगर इनकी तरह ठुकराओगी फरियाद दिल, क्या रहेगा फर्क फिर मजबूर दिल से याद दिल। साला डेढ़ फुटा बात भी करेगा तो संगीत चिराग अल्लादीन की अंदाज में। मेरे प्यारे पटाखे, अगर तू जवान होता ना तो मैं तुझसे शादी कर लेती। अरे कैसी बात करती हो चंपा भाई, तुम तो हो मलिका रहम दिल, रमजुबा के हाल पे कर दो रहम। लो दूसरी घंटी भी बज गई, मैं तो लुट गया मर गया, और ये लैला मजनू की तरह एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। अब तीसरी घंटी में पर्दा उठेगा, लोग जला देंगे, मोड़ देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, न तंबू रहेगा न तख्ता, न तानपुरा न तबला। मालिक नौटंकी वालों से नाटक मत करो, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो वरना तुम्हारी भी घंटियां बजने लगेंगी, समझे मेरी जानी। बस बस इतना सोचा मैंने, खत्म। मालिक जी इसकी तनख्वाह बढ़ा दो, 3 रुपए। चल रे 3 रुपए, नहीं नहीं 1 रुपया मालिक, 3 रुपया नहीं।
होता है अपने हाल पे जो रोता है उस पर मुझको दुख होता है औरों के खातिर जी कर देखो कितना सच्चा सुख होता है तन मन पे करो अधिकार जवानी ऐसे कटे ओ, 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 ओ छोड़ो छोड़ो ये तकरार जवानी कैसे कटे अरे 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 कर ले बलम से प्यार जवानी फिर ऐसे कटे आवाज पाई है कितना अच्छा गाते हो तुम आज तो मेरी कंपनी की इज्जत रख ली तुमने अबे ओए आड़ में क्या खड़ा है भाड़ क्यों नहीं गया था आज तो कंपनी का डिब्बा ही गुल करके रख दिया था झिंगुरदार झिंगुर होगा कंपनी का मालिक कोने में खड़ा हुआ एक रुपए का इशारा कर रहा था जब तो मैं भूल गया अरे जा जा बहाने मत बना रहने दे सुनो तुम्हारा नाम क्या है मेरा श्याम अरे वाह क्या चुन के नाम रखा है आओ मेरे साथ तीन रुपए क्या हुआ ये वो शरबत में बदबू आती है इसकी बदबू दिलो दिमाग को बदल कर जिस्म में खुशबू पैदा कर देती है तुम शायद पीते नहीं ये शरबत नहीं भोले बाबू शराब है शराब शराब क्या शराब जो करती है खाना खराब जिसे पीकर इंसान अपने सुख दुख को अपने आप को भी भूल जाता है पर इंसान क्यों अपने आप को भूलना चाहता है सपने देखने के लिए सपने मुझे तो सच सपना सब बराबर लगता है वो कैसे जो मैं जागते हुए चलते हुए देखता हूँ वही सोते हुए हवा में उड़ते पंछी लहरें बादल खेत पेड़ सब कितना अच्छा लगता है ये सब तुम क्या कह रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आता अरे हाँ इसके पहले तुम किसके नौटंकी में काम करते थे गोपाल शंकर की या कृपाराम की मैंने तुमके नाम भी नहीं सुने और ये नौटंकी क्या होती है अब भी नौटंकी में काम किया और जानते तक नहीं अगर नहीं जानते तो ये हुनर कैसे दिखा दिया क्या गाया है ओह लोग उछल उछल पड़े कहाँ से सीखा सच बोलो गाना कहीं भी नहीं जो मन से निकला सो बोल दिया कभी कभार सुन लेता हूँ अच्छा लगता है याद रह जाता है कमाल है तुम रहते कहाँ हो कहीं नहीं क्या और क्या मैं तो घूमता हूँ कभी यहाँ कभी वहाँ नए नए लोग नए नए गांव सब मुझे भले लगते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं कहते कोई है ही नहीं बिल्कुल अकेले हो तो क्या हुआ सभी तो अपने हैं दीदी दीदी तुमने मुझे दीदी कहा हाँ लोग बड़ी बहन को दीदी ही तो कहते हैं ना शराब तुम्हें शराब की बदबू बुरी लगती है ना मगर क्या करूं गम के हाथों मजबूर हूं बड़ी बुरी चीज है तो छोड़ क्यों नहीं देती छोड़ दूं कैसे छोड़ दूं जिसने गले से लगाया था वो इसको मेरे गले से लगा कर हमेशा के लिए चला गया निर्दयी धोखे बाद दीदी शादी का वादा करके बर्बादी हवाले कर दी
तुम बहुत छोटे हो, ये सब बातें नहीं समझोगे। जाओ सो जाओ, सुबह बहुत सारी बातें करूंगी। जाओ सो जाओ। मालिक मालिक, बकवास बंद, निकल जा यहाँ से। मैं सवेरे चंपाबाई से शिकायत करूंगा, ये मेरे साथ जुल्म है। जुल्म है? तुम जो हमारे साथ जुल्म कर रहे थे उसका क्या? अगर तुम्हारी जगह शाम नहीं आता तो हमारी कंपनी फेल हो जाती। अब तुम्हारी जगह शाम को रखा जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। पैसा मत कहो मालिक, मैंने तुम्हारी कितनी खिदमत की, और तुम ही तो कह रहे थे तुमने मुझे बकवास से बांकेलाल अदाकार बनाया। अब मुझ गरीब को क्यों बर्बाद कर रहे हो मालिक? मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरी माँ क्या खाएगी? मालिक मुझे मत निकालो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मालिक मुझे मत निकालो। मालिक मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरे नशे को क्यों हिरन कर रहा है? निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। क्या कहा? श्याम का कहीं पता नहीं चला, आखिर कहाँ गया वो, क्यों गया? क्या बताऊं चंपा भाई, मुझे पूरा यकीन है श्याम एक रहमदिल और मासूम लड़का था, और उसने सुन लिया था ये मालिक मुझे जलील करके इस कंपनी से निकालना चाहते हैं, और उसे मुझ पर रहम आ गया हो और छोड़ के चला गया। और अब मैं भी चला जाऊंगा, कान खोल के सुनो, मैं चला जाऊंगा। फिर तुम अपनी नौटंकी में ना डंकी बजाना बस। नहीं नहीं बबुआ, मैं तो तुझे दारू के नशे में फटकार रहा था। मैं तुझे कभी निकाल सकता हूँ? तू तो कंपनी का हीरो है, कंपनी का मालिक है। चल मैं तुझे पहली असली धार की पिलाता हूँ। चल